जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फुज्जी। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे CISF HCM और ASI स्टेनो पोस्ट पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इन दोनों पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद में आपको एक साल में कितने दिन की छुट्टी मिलती है, इसके अलावा कौन कौन सी छुट्टी मिलती हैं, आपको अगर लंबी छुट्टी लेनी है किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए किसी प्रॉब्लम के लिए तो आप कितने दिन तक मैक्सिमम एक साल दो साल कितने दिन तक की आप छुट्टी ले सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं कर लाइक कर लें। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों CISF HCM के अंदर अगर हम सबसे पहले लीव की बात करें, चाहे आप HCM पोस्ट हैं चाहे ASI स्टेनो पोस्ट के लिए, वैसे जो लीव होती हैं वो जब आप GD से हैं, फायरमैन से हैं, आप टेक्निकल डिपार्टमेंट से, मिनिस्टर से हैं, हॉस्पिटल स्टाफ से हैं, तो छुट्टियां लगभग सभी को सेम होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो HCM पोस्ट है स्टेनो पोस्ट है, तो अगर मैं HCM के लिए बोलूँ तो आप ये मान के चलो दोनों के लिए ही होती है। तो छुट्टी जैसे मेन जो छुट्टी होती है आप किसी भी फोर्स के जब ज्वाइन कर लेते हैं, BSF ज्वाइन कर रहे हैं, CRPF कर रहे हैं, CISF कर रहे हैं, SSB कर रहे हैं, कोई भी फोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो मेन छुट्टी जो होती है वो आपकी होती है EL और CL छुट्टी होती है। हिंदी में अगर हम इनको बात करें तो अर्जित अवकाश और आकस्मिक अवकाश होता है। तो अदर फोर्सेस के अंदर तो आपको 60 दिन की EL मिलती है, 15 दिन की CL मिलती है, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन CISF में हो जाता है तब आपको 15 दिन की CL मिलती है, और जो EL होती है जो अदर फोर्स में 60 दिन की मिलती है वो आपको इसके अंदर मात्र 30 दिन की मिलती है, यानी कि आपको एक महीने की छुट्टी इसके अंदर कम मिलती है। और यही एक मतलब मेन CISF के अंदर कमी मान लो, चाहे इसकी डार्क साइड मान लो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम मान लो, एक इसके अंदर छुट्टी सबसे जो एक महीने की कम है वही मेन थोड़ा इसके अंदर कमी रह जाती है। नहीं तो आपको ये पता है तो HCM और स्टेनो की पोस्ट बेस्ट है, उसके बाद में सभी फोर्सेज से CISF बेस्ट हो जाती है। अब आपकी जो मेन छुट्टी हो गई CL और EL, आपको समझ में एक महीना आपको EL मिलेगी यानी कि 30 दिन, 15 दिन आपको CL मिलती है। जो 15 दिन जो CL मिलती है उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा छुट्टी पड़ जाती है। मान लो आप 15 दिन की छुट्टी के 15 दिन की छुट्टी में मान के चलो आपको दो संडे आ गया, इसके अलावा कोई आप ऐसे टाइम पे जैसे दिवाली, दशहरा, नवरात्र ऐसे टाइम में जैसे सरकारी छुट्टियां ज़्यादा होती हैं, तो आपकी 15 दिन के अंदर मान लो तीन सरकारी छुट्टी आ गई तो तीन छुट्टी एक्स्ट्रा वो मिल जाएंगी, दो आपके संडे हो गए, ये आपके 15 दिन के अंदर जो सरकारी छुट्टी आएगी वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी, यानी कि 5 दिन आपको वो मिलेगी, 15 दिन वो मिलेगी, 20 दिन हो गई। इसके अलावा दो आपको RH मिल जाती हैं एक साल के अंदर, अगर आप EL में नहीं लेंगे तो 15 दिन के CL के अंदर अगर मान लो दो RH भी आ गई आपकी तो दो दिन हो गए, तो 22-23 दिन, कभी कभी 24-25 दिन तक आपकी जो 15 दिन की CL होती है वो पड़ जाती है। तो ये तो होगी CL। EL में क्या होता है कि आपको संडे, अगर आप जब छुट्टी जा रहे हैं जैसे सैटरडे को छुट्टी जा रहे हैं तो संडे आपको मिल जाएगा और मंडे से आपकी छुट्टी शुरू होगी। इसके अलावा फिर आप लास्ट में जब ड्यूटी पे ज्वाइन करते हैं तो सैटरडे का अगर आपकी रिपोर्ट है तो लास्ट संडे भी आपको मिल जाता है, तो ये फर्स्ट और लास्ट में मिलता है। CL के अंदर बीच में आपका जो भी संडे होगा, GH होगी, RH होगी, वो आपको मिलती है। तो मेनली छुट्टी आपकी एक महीना EL और 15 दिन CL होगी। इसके अलावा जो छुट्टी मिलती है उसमें हम बात करें तो आपको एक पूरी सर्विस के दौरान दो बार आपको PL मिलती है 15-15 दिन, जैसे आपके शादी होने के बाद जब दो बच्चे तक होने तक 15 दिन की PL मिलती है जेंट्स को, लेडीज़ को मैटरनिटी लीव मिलती है वो ज़्यादा दिन की मिलती है, तो आपको दो बार PL मिलती है। इसके अलावा आपको एक मिलती हाफ पे लीव। हाफ पे लीव जो होती है वो एक प्रकार से मेडिकल लीव जो मिलती है आपकी, हर साल आपके जो सर्विस रिकॉर्ड के अंदर जो छुट्टी जमा होती है मेडिकल के नाम पे, फिर उसके बाद में जैसे कभी आपको इमरजेंसी से प्रॉब्लम पड़ जाती है, जरूरत पड़ जाती है कि जैसे आपको किसी ट्रीटमेंट के लिए कभी एडमिट होना पड़ गया, या फिर आप छुट्टी के अंदर आप मेडिकल से संबंध में आपको छुट्टी की लेनी पड़ गई, या आप छुट्टी से लेट हो गए, या आप हॉस्पिटलाइज हो गए, उस टाइम पे आपकी जो ये हाफ पे लीव होती है उसमें से ये आपकी जो छुट्टी होंगी जितना दिन आप हॉस्पिटलाइज रहे या आप मेडिकल रेस्ट में रहे वो आपकी उसमें रेगुलराइज हो जाती हैं। जो हाफ पे लीव होती हैं उसमें आपको हॉस्पिटलाइज टाइम का या फिर मेडिकल रेस्ट टाइम का जो पैसा सैलरी होती है वो नहीं कटती है, तो इसमें वो आपकी रेगुलराइज हो जाती है। इसके अलावा एक जो छुट्टी होती है वो आपको मिलती है विदाउट पे लीव। जैसे लंबी छुट्टी आपको चाहिए तो विदाउट पे लीव जो होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी होते हैं ये स्कीम सभी के लिए लागू होती है, लेकिन जैसे अगर आप किसी फोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो फोर्स के अंदर ये छुट्टी इतना आसानी से नहीं मिलती, हालांकि मिल जाती है अगर मतलब आपकी प्रॉब्लम और आपकी किस प्रकार से तैयारी है, आपको मतलब जैसे आपको किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो कुछ दिन के लिए अगर आप चाहते हैं कि मुझे विदाउट पे लीव लेनी है तो आपको उसमें क्या है कि आपको किसी प्रकार की उसके अंदर सैलरी नहीं मिलेगी छुट्टी के दौरान, और जितने दिन आप विदाउट पे लीव रहेंगे वो आपका जो टाइम होगा वो आपकी जो सर्विस उसमें जुड़ेगा नहीं। मान लो आपको 20 साल नौकरी करके रिटायरमेंट आना है, 20 साल की सर्विस में आपने 3 महीने की मान लो आपने विदाउट पे लीव ले ली, या फिर आप छुट्टी से लेट हो गए, मान लो आप बिना
डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया, पे एक महीना लेट हो गए और आपके जो समय जो लेट हुआ समय आपको विदाउट पे कर दिया, मतलब आपको जो लीव थी वो विदाउट पे लीव कर दी, तो वो जो समय होगा तो आपको मतलब 2 महीने आप लेट रहे विदाउट पे लीव रहे तो 20 साल 2 महीने आपको सर्विस करनी पड़ेगी। यानी कि जो आप विदाउट पे लीव काटते हैं वो आपके सर्विस रिकॉर्ड में ऐड नहीं होता है। तो एक आपको विदाउट पे लीव मिल जाती है अगर आप किसी लंबे समय के लिए चाहिए, एग्जाम वगैरह की तैयारी के लिए चाहिए। हालांकि फोर्स के अंदर का आप चाहो कि साल 2 साल इतना टाइम का मुझे टाइम पीरियड मिल जाए, सिविल जॉब के अंदर आपको विदाउट पे लीव जो होती है आसानी से मिल जाती है और जितने दिन की आप चाहें उतनी दिन की मिल जाती है। लेकिन फोर्स के अंदर ये सब भी इतनी आसानी से भी नहीं मिलती और ज़्यादा दिन की भी नहीं मिलती। हालांकि आपकी प्रॉब्लम और आपकी किस प्रकार से आप उसको लेने के लिए तैयारी करते हो उस हिसाब से आपको ये मिल जाती है। तो मेन मेन छुट्टी ये हो जाती है। लेकिन इन छुट्टी के अंदर भी आप एक्स्ट्रा छुट्टी जैसे काटने का अगर हम बात करें तो इसमें ये प्रोसेस हो जाती है, जैसे आपकी CL है 15 दिन CL है, इसको आप जैसे 2 बार में काटते हैं, तो जैसे 7 दिन एक बार काटी आपने, 8 दिन एक बार काटी, तो जिस टाइम पर ज़्यादा गवर्नमेंट छुट्टी होती है कभी कभी एक हफ्ते में 2-3 दिन छुट्टी हो जाती है, उसमें 2 दिन आपको संडे मिल गया, कोई एक आरएच मिल गई, तो आपकी जो 7-8 दिन की छुट्टी है वो 14-15 दिन तक आपकी मिल जाती है। तो ऐसे करके आप उसको 2 बार में काट सकते हैं। सेम जब आपको 30 दिन की EL मिलती है उसको भी आप 2 बार में काट सकते हैं। जैसे आपको किसी टाइम पर जैसे 2 GH है तो फर्स्ट वाली GH ले सकते हैं, लास्ट का संडे ले लिया, ऐसे कर से 2-3 बार में आप EL काट सकते हैं। लेकिन जो अदर फोर्सेज के अंदर जो 2 महीना की EL मिलती है वो EL आपको इसके अंदर नहीं मिलती है, आपको सिर्फ 1 महीना EL इसके अंदर मिलेगी। हालांकि इसके अंदर ये है कि आप वो अपनी जैसे फैमिली लाइफ होती है परिवार को आप अपने साथ में आसानी से रख सकते हैं, आपको फैमिली फैसिलिटीज मिलती है। हालांकि घर जाने का जैसे आप अपने गांव अपने परिवार के साथ में जो छुट्टियां मिलती हैं वो तो इतनी मिलेंगी, लेकिन जब आप फैमिली साथ में रखेंगे तो आपकी जैसे ड्यूटी ऑफ हो जाती है तो आप अपने क्वार्टर पे जा सकते हैं। इसके अलावा एवरी वीक आपको मतलब एक संडे हो गया कोई गवर्नमेंट छुट्टी हो गई वो भी आपको मिलती है, उसमें आप अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और जब लंबी छुट्टी आपको जाना है तो जो EL और CL मिलती है वो छुट्टी जाके आप अपने परिवार के साथ में या कहीं घूमने का प्रोग्राम है या कोई आपके फंक्शन है उसको अटेंड आप कर सकते हैं। वीकली ऑफ आपको मिलता है, रात के आपको ड्यूटी वगैरह लगती नहीं है। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो HCM की जो जॉब है स्टेनो की जो जॉब है बेस्ट है, लेकिन जो छुट्टी है इसके अंदर वही एक इसके अंदर एक कम मिलती है। तो जहाँ तक मेरा विचार है छुट्टी के संबंध में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा छुट्टी के अलावा जैसे इसकी फैसिलिटीज़ है, सैलरी है, प्रमोशन है, इस संबंध में मैंने जैसे पहले से वीडियो जिस टॉपिक पे बना रखे हैं, अगर आपको वीडियो देखने होंगे तो मेरे चैनल के ऊपर आपको इनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो सभी वीडियोज आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो या आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों जानकारी मैंने आपको छुट्टी और जैसे एक्स्ट्रा छुट्टी कितनी मिलती है वो दी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।